गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व में हिंदुस्तान की पहचान बन चुकी है, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस करता है। एक बार फिर दुनिया में भारत की धमक सुनाई देगी, क्योंकि राजस्थान में स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह एक विशाल मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जिसके बनते ही भारत फिर से इतिहास रच देगा। तो बताते हैं मूर्ति किसकी और राजस्थान में कहां बन रही है। दरअसल राजस्थान में झीलों के लिए मशहूर उदयपुर शहर के नाथ द्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। इसकी ऊंचाई 351 फीट है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद देश की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। वही विश्व में भगवान शिव की ये सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जिसका अगले साल मार्च तक अनावरण हो सकता है। फिलहाल अभी नेपाल के कैलाशनाथ मंदिर स्थित शिव की प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 143 फीट है। लेकिन नाथद्वार की शिव प्रतिमा बनने के बाद ऊंचाई के मामले में ये काफी पीछे छूट जाएगी, जिसका निर्माण कार्य लगभग 85% तक पूरा हो चुका है। इस मूर्ति को सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण पिछले 4 सालों से चल रहा है। इस भव्य मूर्ति को बनाने में करीब 2,500 टन सरिया और करीब 3,00,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हो चुका है। साथ ही इसे बनाने में 750 कारीगर और मजदूर दिन रात लगे हैं। वहीं पर्यटकों का भी खास ध्यान रखा गया है। इस मूर्ति के 280 फीट ऊंचाई तक पर्यटक जा सकते हैं, जिसके लिए 4 लिफ्ट भी लगाई गई हैं। हालांकि जो लिफ्ट से नहीं जाना चाहते उनके लिए सीढ़ियों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए थिएटर और बगीचे भी बनाए जाएंगे। इस प्रतिमा की ऊंचाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे 20 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। वहीं सुरक्षा की नजर से भी इसे बेहद मजबूत बनाया गया है, जो कि तेज से तेज हवाओं और भयंकर भूकंप को भी झेल सके। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से मदद भी ली गई है। बहरहाल इसके बन जाने से उदयपुर के पर्यटन को भी पंख लगना तय है, क्योंकि यहां आने वाले हर देशी विदेशी पर्यटक इस मूर्ति को देखने जरूर आएंगे। खबर अपडेट की रिपोर्ट।